नमस्कार दोस्तों दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। भारत का इतिहास सिंधु घाटी सभ्यता से प्रारंभ होता है, जिसे हम हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। यह सभ्यता लगभग 2500 ईस्वी पूर्व दक्षिण एशिया के पश्चिमी भाग में फैली हुई थी, जो कि वर्तमान में पाकिस्तान तथा पश्चिमी भारत के नाम से जाना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता मिस्र, मेसोपोटामिया, भारत और चीन की चार सबसे बड़ी प्राचीन नगरीय सभ्यताओं में से अधिक उन्नत थी। 1920 में भारतीय पुरातत्व विभाग द्वारा किए गए सिंधु घाटी के उत्खनन से प्राप्त अवशेषों से हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो जैसे दो प्राचीन नगरों की खोज हुई। भारतीय पुरातत्व विभाग के तत्कालीन डायरेक्टर जनरल जॉन मार्शल ने सन 1924 में सिंधु घाटी में एक नई सभ्यता की खोज की घोषणा की थी। सिंधु घाटी सभ्यता के मुख्यतः तीन चरण थे। पहला चरण था प्रारंभिक हड़प्पाई सभ्यता, जो 3330 ईसा पूर्व से 2600 ईस्वी पूर्व तक था। दूसरा था परिपक्व हड़प्पाई सभ्यता, जो 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व तक। तीसरा था उत्तर हड़प्पाई सभ्यता, जो 1900 ईसा पूर्व से 1300 ईसा पूर्व तक था। प्रारंभिक हड़प्पाई चरण हाकरा चरण से संबंधित है, जिसे घग्गर हाकरा नदी घाटी में चिन्हित किया गया है। हड़प्पाई लिपि का प्रथम उदाहरण लगभग 3000 ईसा पूर्व के समय का मिलता है। इस चरण की विशेषताएं एक केंद्रीय इकाई का होना तथा बढ़ते हुए नगरीय गुण थे। व्यापार क्षेत्र विकसित हो चुका था और खेती के साक्ष्य भी मिले हैं। उस समय मटर, तिल, खजूर, रुई आदि की खेती होती थी। कोटदीजी नामक स्थान परिपक्व हड़प्पाई सभ्यता के चरणों को प्रदर्शित करता है। हड़प्पाई सभ्यता अपनी नगरीय योजना प्रणाली के लिए जानी जाती है। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के नगरों में अपने अपने दुर्ग थे, जो नगर से कुछ ऊंचाई पर स्थित होते थे, जिनमें अनुमानतः उच्च वर्ग के लोग निवास करते थे। दुर्ग से नीचे सामान्यतः ईंटों से निर्मित घर होते थे, जिनमें सामान्य लोग निवास करते थे। हड़प्पा सभ्यता की एक ध्यान देने योग्य बात यह भी है कि इस सभ्यता में ग्रिड प्रणाली मौजूद थी, जिसके अंतर्गत सड़कों को एक दूसरे के समकोण पर काटती थी। अन्य भंडारों का निर्माण हड़प्पा नगरों की प्रमुख विशेषताएं थीं। जली हुई ईंटों का प्रयोग हड़प्पा सभ्यता की एक प्रमुख विशेषता थी, क्योंकि समकालीन मिस्र में मकानों के निर्माण के लिए शुष्क ईंटों का प्रयोग होता था। अब हम बात करते हैं हड़प्पे सभ्यता में कृषि के बारे में। हड़प्पाई गांव मुख्यतः प्लावन मैदानों के पास स्थित थे, जो पर्याप्त मात्रा में अनाज का उत्पादन करते थे। गेहूं, जौ, सरसों, तिल, मसूर आदि का उत्पादन होता था। गुजरात के कुछ स्थानों से बाजरा उत्पादन के संकेत भी मिले हैं, जबकि यहाँ चावल के प्रयोग के संकेत तुलनात्मक रूप से बहुत ही दुर्लभ मिलते हैं। सिंधु सभ्यता के मनुष्यों ने सर्वप्रथम कपास की खेती प्रारंभ की थी। अब हम बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता की अर्थव्यवस्था के बारे में। अनगिनत संख्या में मिली मोहरें, एक समान लिपि, वजन और मापन की विधियों से सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के जीवन में व्यापार के महत्व के बारे में पता चलता है। हड़प्पाई लोग पत्थर, धातुओं, सीप या शंख का व्यापार करते थे। धातु मुद्रा का प्रयोग नहीं होता था, व्यापार की वस्तु विनिमय प्रणाली मौजूद थी। अरब सागर के तट पर उनके पास कुशल नौवहन प्रणाली भी मौजूद थी। हड़प्पाई कास्य की वस्तुएं निर्मित करने की विधि उसके प्रयोग से भलीभांति परिचित थे। सिंधु घाटी सभ्यता से बहुत कम मात्रा में लिखित साक्ष्य मिले हैं, जिन्हें अभी तक पुरातत्वविदों द्वारा तथा शोधार्थियों द्वारा पढ़ा नहीं जा सका है। एक परिणाम के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता में राज्य और संस्थाओं की प्रकृति समझना काफी कठिनाई का कार्य है। अब हम बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर कौन से धर्म चलते थे। टेराकोटा की लघु मूर्तियों पर एक महिला का चित्र पाया गया है। इनमें से एक लघु मूर्ति में महिला के गर्भ से उगते हुए पौधे को दर्शाया गया है। हड़प्पाई पृथ्वी को उर्वरता की देवी मानते थे और पृथ्वी की पूजा उसी तरह करते थे जिस प्रकार मिस्र के लोग नील नदी की पूजा देवी के रूप में करते थे। पुरुष देवता के रूप में मोहरों पर तीन श्रृंगी चित्र पाए गए हैं, जो कि योगी की मुद्रा में बैठे हुए हैं। देवता के एक तरफ हाथी, एक तरफ बाघ, एक तरफ गैंडा तथा उनके सिंहासन के पीछे भैंसे का चित्र बनाया गया है। उनके पैरों के पास दो हिरणों के चित्र हैं। चित्रित भगवान की मूर्ति को पशुपति महादेव की संज्ञा दी गई है। अब हम बात करते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन क्यों हुआ। सिंधु घाटी सभ्यता का लगभग 1800 ईसा पूर्व में पतन हो गया था, परंतु उसके पतन के कारण अभी भी विवादित हैं। एक सिद्धांत यह कहता है कि इंडो यूरोपियन जनजातियों जैसे आर्यों ने सिंधु घाटी सभ्यता पर आक्रमण कर दिया था तथा उसे हरा दिया था। सिंधु घाटी सभ्यता के बाद की संस्कृतियों में ऐसे कई तत्व पाए गए हैं, जिनसे यह सिद्ध होता है कि यह सभ्यता आक्रमण के कारण एकदम विलुप्त नहीं हुई थी। दूसरी तरफ से बहुत से पुरातत्वविद सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का कारण प्रकृति जन्य मानते हैं। प्राकृतिक कारण भूगर्भीय और जलवायु संबंधी हो सकते हैं। यह भी कहा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के क्षेत्र में अत्यधिक विवर्तनिकी विक्षोभों की उत्पत्ति हुई, जिसके कारण अत्यधिक मात्रा में भूकंपों की उत्पत्ति हुई।
एक प्राकृतिक कारण वर्षण प्रतिमान का बदलाव भी हो सकता है। एक अन्य कारण यह भी हो सकता है कि नदियों द्वारा अपने मार्ग बदलने के कारण खाद्य उत्पादन क्षेत्रों में बाढ़ आ गई हो। इन प्राकृतिक आपदाओं को सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का मंद गति से हुआ परंतु निश्चित कारण माना गया।